हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल मिनी थाली। इसमें हम बनाएंगे मसाला पूड़ी, चटपटे आलू की सूखी सब्जी और आमरस। समर्स के लिए ये आमरस पूड़ी का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आमरस। इसके लिए हमने यहाँ पर दो पके हुए आम लिए हैं, इसे हमें छीलकर कट करना है। देखिए हमने इसे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डालना है और इसमें डालना है 1/4 टीस्पून सॉल्ट का पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर। अगर आपके पास है तो डालिए, इसे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि आम थोड़ा सा हैवी होता है। और इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून चीनी। अगर आपके आम थोड़े कम मीठे हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून हमें डालना है इलायची का पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। और इसमें 1/2 कप हमें डालना है दूध, ये ठंडा दूध होना चाहिए। और इसकी फाइन प्यूरी बनाकर रेडी करनी है। आप दूध की जगह पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर दूध से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। देखिए एकदम फाइन प्यूरी बन गई है, देखिए कितना डिलीशियस सा लग रहा है। इसे हम फ्रीज में ठंडा होने के लिए रखेंगे, तब तक हम बनाते हैं हमारी मसाला पूड़ी। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 4 कटोरी आटा, आप जितना बना रहे हैं उसी हिसाब से आप आटा लीजिए। और इसमें 1 टेबलस्पून हम डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे क्रश करके डालेंगे। और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी डालने से पूड़ी हमारी क्रिस्पी बनेंगी, ये ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। और इसमें 2 टेबलस्पून डालना है ऑयल। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक टाइट आटा लगाकर रेडी करना है। देखिए हमने आटा लगा लिया है, पूड़ी जैसा आटा ये लग के रेडी हो चुका है। इसे कवर करके रखेंगे, तब तक ये सेट हो रहा है जब तक हम बनाते हमारी सूखे आलू की चटपटी सब्जी। इसके लिए हमने यहाँ आलू लिए हैं, बॉईल किए हुए आलू, और इसे छोटे टुकड़ों में कट करना है। यहाँ कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ऑयल गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और आलू को जो हमने टुकड़ों में कट करके रखा था वो इसमें डालने हैं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, वरना आपका जीरा और हरी मिर्च जल सकते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले डालने हैं, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे अमचूर पाउडर, इसमें हल्का सा खट्टापन काफ़ी अच्छा लगता है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सब्जी मसाला, ये होममेड सब्जी मसाला है, इसे डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें डालना है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट और इन्हेंस होता है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और 7 से 8 मिनट के लिए इसे कुक करना है। अब इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। लीजिए, रेडी है हमारी चटपटे आलू की सूखी सब्जी। और हमारा आटा भी अब तक सेट हो गया है, हम बनाते हैं इसकी पूड़ी। इसका एक पोर्शन लेना है और जितनी बड़ी हमें पूड़ी बनानी है उसकी छोटी छोटी लोई हमें बनाकर रेडी करनी है। और बाकी के आटे को हमें कवर करके रखना है जिससे आटा हमारा सूखे ना। हल्का सा ऑयल लगाना है और पूड़ी को बेलकर रेडी करना है। पूड़ी को बहुत ज़्यादा पतला मत करिए वरना आपकी पूड़ी फूलेगी नहीं। देखिए ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब पूड़ी को फ्राई करते हैं। हल्के हाथ से प्रेस कीजिए और देखिए फूली फूली पूड़ी बनकर रेडी हो गई है हमारी। तो चलिए अब हम लगाते हैं हमारी प्लेट। देखिए रेडी है हमारी समर स्पेशल मिनी थाली। इसमें चटपटे सूखे आलू की सब्जी है, डिलीशियस सा आमरस है और मसाला पूड़ी।
तीनों का कॉम्बिनेशन लाजवाब है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको 100% पसंद आएगी। आप इसे ट्राई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।